अदालत दे विच ही धमकी दे दित्ती गई सिमरजीत बैंस दे बेटे दे वलों जी, बड़ी अणख आ गई बंदे च, ऐडा की करता। हाँ जी देखो, ये ना एक मुकदमा सी, कोई इन्हों की लड़ाई हुई सी, तो उस संदर्भ दे विच पेशी सी। पेशी की है कि इन्होंने हाई कोर्ट के विचों राहत की आस के नाल, मतलब कि उत्थे पटीशन दाखिल की हुई है। 17 अप्रैल में दसते हैं कि सिमरनजीत सिंह बैंस के मुंडे अजय प्रीति पटीशन से सुनवाई करते हुए चोणों के दौरान, जिहड़ी मैं तुहानूं दस्सिया कि दो पार्टियां च झड़प हुई सी वर्करां दे दरम्यान, ते कतल की कोशिश का यानी 307 का यह मुकदमा सीगा, तो उहदे ते इहदी गिरफ्तारी की रोक लग गई सी। ते पर जी कोर्ट ने कहा सीगा कि तुहानूं जांच जिहड़ी आ ज्वाइन करनी पवेगी, ते 100 वार इहदी सुनवाई हुई। आ जिहड़ा जी गुजिश्ता दिन सीगा सोमवार का, ते सवेरे जदों उक्त मामले च सुनवाई हुई तां SIT बनी हुंदी है, जिहड़ी एक कह लो कि स्पैशल इन्वेस्टिगेशन टीम हुंदी है जिहड़ी, जी उहदा एक मैंबर अदालत च पेश होया। ते उहनां ने जाके कहा कि वेखो, इन्वेस्टिगेशन दे विच इह जिहड़ी इन्वेस्टिगेशन चलदी आ उहदे च इह अजय प्रीत जिहड़ा उह सहयोग नहीं कर रिहा, ते सवालां नूं तोड़ मरोड़ के जवाब दे रहा है। ते नाल जी उन्हां ने कहा कि फायरिंग च इस्तेमाल पिस्तौल भी बरामद नहीं हुई, इस लई इस नूं अगाऊं जमानत ना दिती जावे, मतलब कि एंटीसिपेटरी बेल जिहड़ी आ जां कह लो वक्ती राहत है जिहड़ी उह ना दिती जावे। दसदे आ कि जदों ये बाहर निकलिया, दोष ये जी आ कि उस वेले ये मुंडे ने फिर उहनूं घेर लिया, ते तत्ता ठंडा बोलिया, कौड़ा फिक्का जी बोलिया कि भाई हाँ, तू कोर्ट दे विच मेरी जमानत दी मुखालफत किवें कीती आ। ते वो जी जिहड़ा अधिकारी सी वो खड़े पैर फिर उत्थों पिशा नूं भौं पिया, पिशा नूं चले गया जी जदों, तो उहने जज दी कचहरी च जाके फिर उहने आख्या हजूर आ गल आ, इत्थों तुसीं उहनूं ते राहत दित्ती आ, वो दे उत्ते सानूं आने ढड के ते दबकाउण डिया। जी फिर बाद दे विच कोर्ट ने जदों इस गल का सुनिया सारा बखियान, तो उन्होंने नोट्स लेंदे हुए जिहड़ी वो गिरफ्तारी ते स्टे लगी सी उसनों हटा दिता, ते पटीशन वापस लैण दी छूट देंदे हुए खारिज कर दिता, क्योंकि वकील ने जाके फिर रियलाइज किया कि देखो जी वो तैश च आ गया, कोई नुकसान पहुंचाने की मंशा नहीं सी, पर कोर्ट ने जी गिरफ्तारी का जिहड़ा वो स्टे सीगा वो तोड़ दिता। ते गल ये आ कि हुण जदों स्टे टुट गया ते भाई उस तो बाद फिर गिरफ्तारी का रस्ता खुल जाता है, ते इन्होंने शायद जवाकों ने अजे कुछ वेख्या नहीं। जी आंदे हुंदे आ ना कि जीभ दे विच कोई हड्डी नहीं हुंदी, पर ये हड्डियां बहुत तड़वा देंदी आ, नुकसान बहुत करवा देंदी आ। सो इस करके हुण इन्हें अपना जिहड़ा उत्थे बोलिया चालिया सीगा उहदे करके अपने आप नूं वक्त च पा लिया, पहला बाप मसा जेल चो बाहर आया, हुण मुंडे ते भी गिरफ्तारी की तलवार लटक गई आ। उदा खबरां इह भी ने कि हो सकता है कि बैंस ब्रदर्स जिहड़े आ वो एक बारी फिर दल बदली करदे आ, हो सकता भारतीय जनता पार्टी दे विच ही अपना दल बल जिहड़ा वो मर्ज कर लैन। जी कोर कमेटी की मीटिंग की गल कर रहे हैं, कहते जल्दी मीटिंग करके कोई फैसला लवेंगे किनू समर्थन देना या किसी नाल जाना। हाँ जी हाँ जी, नहीं वो तो चलो कोर कमेटी का फिर यही हुंदा, वो सुखबीर सिंह बादल दी जिवें कोर कमेटी है, वो कोई भी जी गल कहणगे कोर कमेटी जो फैसला, ते कोर कमेटी जो होर कमेटी तो कोई हुंदी नहीं, अपनी जी जी कमेटी हुंदी है, ते इस जी करके फिर उत्थे जिहड़ा फैसला लेना हुंदा उही बन जांदा लीडरशिप दा। सो जी बाकी इहनां दा इतिहास रहा, अगे भी इसे तरह राजनीति चली, उहदा कोई पता भी नहीं हैगा, बैंस ब्रदर्स दा अपना फैसला टाल भी सकदे आ। उहदा इहनां ने जी प्रेजिडेंट इलेक्शन दे विच, तुहाडी जानकारी लई मैं दसां, वोट भारतीय जनता पार्टी नूं कीती हुई आ। जी मतलब कि सुरता है उधर जाण वाले, बाकी हुण पता लगूगा। सो हाँ जी हाँ आपां जी, ये तो अग्गे कहिंदे बढ़ते मिले सुर मेरा तुम्हारा, जी सुर जी लगे जी हमारा।